Today we will discuss chapter number 12, that is our environment. So without wasting time, let's start it. Environment, everything that surround us form our environment. जो हमारे चारों ओर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये क्या फॉर्म करती हैं? हमारे एनवायरनमेंट को फॉर्म करती हैं, एनवायरनमेंट को बनाती हैं. एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड लैंड. लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होते हैं. सो इनकी इसी फिजिकल एनवायरनमेंट को, जिसमें ये चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती हैं, से इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम नॉर्मली स्टेबल होता है, नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल रहता है, बट ह्यूमन एक्शंस के कारण और दूसरी कंडीशंस के कारण ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होने लगता है. से हम इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. सो इस चैप्टर में हम different types of pollution like air pollution, water pollution, soil pollution और noise pollution के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे हम अपने environment को conserve कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. इस chapter में हम उस सब चीज़ें discuss करने वाले हैं. So the study of ecosystem is called ecology. Ecosystem की study करना ecology कहलाता है. ये एक Greek word है जिसका meaning होता है home और logos का meaning होता है study. एडवेंस होम की स्टडी मीन्स जिस एनवायरनमेंट में जहाँ हम रहते हैं वहाँ प्रेजेंट चीज़ों की स्टडी करना ही क्या है, इकोलॉजी कहलाता है. नाउ पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्शंस हैव रिजल्टेड इन एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर, वाटर एंड लैंड. दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन. हमारी एक्टिविटी के कारण या और दूसरे नेचुरल कॉजेज के कारण क्या होता है, एयर, वाटर और लैंड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं. इन हार्मफुल सब्सटेंस के मिलने से वो एयर, वाटर, लैंड क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं. सो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉल्यूशन. ये कंडीशन ही पॉल्यूशन होती है. वे हार्मफुल सब्सटेंस जो कि एयर, वाटर और लैंड में मिलकर उन्हें पॉल्यूट करते हैं, वे हार्मफुल सब्सटेंस ही पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिलीज़ स्मॉग कंटेनिंग हार्मफुल गैसेस. एयर पॉल्यूशन कब होता है, जब फैक्ट्री से और व्हीकल से स्मॉग निकलता है और जिसमें हार्मफुल गैसें लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. एयर का एक कंपोजिशन होता है जिसमें 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.0 समथिंग अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं. सो जब ये स्मोक निकलता है तो स्मोक में जो हार्मफुल गैसें प्रेजेंट होती हैं एयर के इस कंपोजिशन को डिसबैलेंस कर देती हैं, जिससे एयर पॉल्यूट होती है. एयर के पॉल्यूशन होने, एयर पॉल्यूट होने से हमें इसका एडवर्स इफेक्ट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब चीज़ों पर पड़ता है. इससे रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती हैं. नाउ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज जो वेस्ट निकलता है जिसमें वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं, लाइक आर्सेनिक एंड मरकरी, लेड, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में प्रेजेंट होती हैं. जब ये केमिकल्स वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स में जब ये जाते हैं, तो उसके क्लीन वाटर को भी ये पॉल्यूट कर देते हैं. आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज ब्लैक पैचेज ऑन स्किन. आर्सेनिक के कारण स्किन पर ब्लैक पैचेस आ जाते हैं. मरकरी के कारण डेथ हो सकती है और लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है. ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन वाटर आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेंट्स. प्लांट्स और एनिमल्स का पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. नाउ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. जब हम फील्ड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, सो इससे वहाँ की जो सॉइल होती है वो पॉल्यूट हो जाती है. दिस सब्सटेंसेस एंटर फूड चेन एंड फाइंड देयर वे इनटू द ह्यूमन बॉडी. ये सब्सटेंसेस फूड चेन के थ्रू क्या होते हैं, फूड के थ्रू हमारी बॉडी में या फिर लिविंग थिंग्स की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ पर ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. लैंडफिल्स ऑल्सो डैमेज लार्ज एरियाज ऑफ सॉइल. लैंडफिल से भी एयर का एक बहुत बड़ा एरिया डैमेज होता है, जिससे कि सॉइल पॉल्यूट होती है. नाउ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाई ऑटोमोबाइल्स, हॉर्न्स, एरोप्लेन्स, मशीन्स एंड लाउड म्यूजिक. इट कैन रिजल्ट इन डेफनेस एंड मे ऑल्सो कॉज नर्वस डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस. इससे नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकता है, डेफनेस हो सकती है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है.
नाउ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एज यू स्टडी यू हैव स्टडीड दैट पॉल्यूशन हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है और इसके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पर एडवर्स इफेक्ट होते हैं. सो वी शुड ट्राई टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट. हाउ कैन वी कंजर्व आवर एनवायरमेंट? वी कैन कंजर्व आवर एनवायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द डोमेस्टिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. बट बिफोर रिड्यूसिंग द वेस्ट वी शुड ट्राई टू नो द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट. वॉट इज दिस? दिस फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste are the waste that can be broken down by the microbial present in the soil. वे waste जिनको air और soil में जो microbes present होते हैं, जिन्हें simple form में उनकी complex form से simple form में change कर सकते हैं, वो waste कौन से waste होते हैं? Biodegradable waste होते हैं. All wastes obtained from plants and animals are biodegradable. For example, paper, wool, vegetables, peel and pencil shaving. ये सब को माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं? सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ये सब चीज़ें डिग्रेड होने के बाद सॉइल, वाटर, एयर में फिर से मिल जाती हैं. सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दीज आर द वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. वे वेस्ट जिनसे कि जिन्हें माइक्रोब्स कोई सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, जिन पर माइक्रोब्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. दीज वेस्टेज आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. ये वेस्ट किससे बने होते हैं? केमिकल से बने होते हैं, लाइक प्लास्टिक एंड ग्लास. इन पर माइक्रोब्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला होता है. ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में ही रहते हैं. नाउ मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. फर्स्ट वन इज लैंडफिल्स. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन. There are different types of landfills depending on type of waste to be disposed of. They can accommodate all kinds of waste including construction, debris and other materials. Landfills waste disposal का सबसे common method है. इसमें एक debris बनाकर या फिर other materials की सब चीज़ें जो waste होता है वो एक जगह land के ऊपर डाल दिया जाता है decompose होने के लिए, या फिर ऐसा होता है कि कहीं कहीं कुछ डिफरेंट टाइप्स, जिस टाइप्स का वेस्ट होता है उस टाइप के अलग अलग डिस्पोजल किया जाता है. लेकिन एक लैंड के ऊपर उस वेस्ट को डाला जाता है जिससे कि वो ओपन एयर में डिस्पोज होता रहता है. इंसिनरेशन. इंसिनरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पहले वेस्ट को ट्रीट किया जाता है. इट मीन्स उसमें से बर्निंग सब्सटेंस अलग कर लिए जाते हैं और फिर उन्हें फर्नेंसेस में रखकर उन्हें बर्न कर दिया जाता है. वे फर्नेंसेस को इंसिनरेटर्स कहते हैं. इस वेस्ट डिस्पोजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें लार्ज अमाउंट में एसिड्स प्रोड्यूस होती हैं और एयर पॉल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूट होती है. नाउ कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग में एक पिट बनाया जाता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर को रखा जाता है, जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी और बैक्टीरिया डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं, जिससे मैनवर और कंपोस्ट फॉर्म होती हैं जिसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. नाउ बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग एंश्योर दैट द वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस इन किचन इज नॉट केयरलेसली थ्रोन एंड लेफ्ट रोड. कंपोस्टिंग से किचन का जो वेस्ट होता है वो केयरलेसली थ्रोन नहीं होता है. इससे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में वापस चले जाते हैं. ये एक क्लीन, चीप और सेफ डिस्पोजल है. इससे वेस्ट डिस्पोजल के अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल को पॉल्यूट नहीं करते हैं और ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं जिससे सॉइल को इजीली कल्टीवेट किया जा सकता है. नाउ वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग लास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत पॉपुलर हो गया है. इसमें कंपोस्टिंग में रेडवर्म्स को ऐड कर दिया जाता है. रेडवर्म्स का एक्सक्रेटा जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. नाउ थ्री आर्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. थ्री आर्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. फर्स्ट वन इज रिड्यूस. इन दिस मेथड एफर्ट्स आर मेड टू टीच द कम्युनिटी टू जनरेट लेस वेस्ट. इट मीन्स वे गुड्स जिनसे ऐसा वेस्ट जनरेट होता है जो लास्ट लॉन्गर रहता है, इट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उनसे हमें कम ही यूज़ करना चाहिए. उन चीज़ों को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए. नाउ रीयूज.
दिस इज एन ऑप्शन इन विच यू कैन रीयूज थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एक्सरसाइज बुक से हम स्क्रेबल पैड्स बना सकते हैं, और इसी तरह जो पेपर नैपकिन होते हैं उनके प्लेस पर हम क्लोथ टेबल नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं, जिनसे कि हम चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं. रिसाइकिल, रिसाइकिल इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ यूज्ड एंड डिस्कार्ड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स. फैक्ट्री में क्या होता है, इन डिस्कार्ड मटेरियल से हम न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. पेपर कैन बी पल्प एंड मेड इनटू डेकोरेटिव प्लेसेस, जैसे कि पेपर को पल्प करके हम डेकोरेटिव पीसेस को बना सकते हैं. रिसाइकिलिंग के कुछ वेस्ट होते हैं, लाइक इट लीड्स टू लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स. इससे रॉ मटेरियल्स को के यूज को कम किया जा सकता है. सराउंडिंग्स को क्लीनर और हेल्दियर बनाया जा सकता है. लैंडफिल स्पेस को सेव किया जा सकता है, मनी सेव की जा सकती है, और न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे कम किया जा सकता है. नाउ स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. जैसे हम जानते कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, इसे इंक्रीज करने के लिए कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स के लॉज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है. ऐसे इंडिया ने भी डिफरेंट टाइप्स के लॉज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. मेन एनवायरनमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन, से कि उनके सोर्सेज डिग्रेड होते जा रहे हैं और एनिमल्स लाइफ, प्लांट्स लाइफ पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है. द मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बींग फेस्ड बाय द कंट्री आर डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहले एनवायरमेंट का जो अवेयरनेस थी वो अर्थ समिट 1992 में अवेयर हुआ, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था. अ ग्लोबल एक्शन प्लान कॉल्ड एजेंडा 21 वॉज अडॉप्टेड. वहाँ पर एक ग्लोबल एक्शन प्लान एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, जिसकी कि एक स्प्रिट, इस प्लान की एक स्प्रिट हमारी नेशनल पॉलिसी में भी है. A wide network of air and water quality monitoring stations are being made under National Ambient Air Quality Management, Global Environment Monitoring System and other programs. ये सब programs इंडिया ने चलाए हुए हैं, जिसके कारण हम अपने एरिया में एयर की क्वालिटी मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि वहाँ पर एयर की क्वालिटी कैसी है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ग्रीन बेंचेस इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन इंडिया टू डील विद प्रॉब्लम कंसर्निंग द एनवायरनमेंट. दैट्स इट. दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. वी विल मीट यू इन अनदर सेशन. बाय बाय.